जुलो ये संभाला और नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू ईच एंड एवरीवन। तो आज हमारा जो पाद यात्रा जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके लद्दाख से शुरू हुआ था वो आज बद्दी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। तो कल हम चंडीगढ़ इंटर हो जाएंगे। तो अभी हम ऑन द वे है, आप सब देख सकते हो पीछे से भी मेरे साथी लोग जब आ रहे हैं और मेरे साथ है अभी अख्तर भाई। तो अख्तर भाई कुछ बोलिए पद यात्रा के बारे में। अभी ये मैं अपने YouTube पे अपलोड करना चाहूँगा। तो आज ये हमारे पद यात्रा का 25वां दिन चल रहा है। बिल्कुल, लगभग हमने आज 6:30 पे सुबह शुरू किया था, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद 7-8 किलोमीटर के बाद हमने लंच किए। अभी हम चल रहे हैं, अभी हमारे डेस्टिनेशन बद्दी गुरुद्वारा पर है। वहाँ के लिए हमें लगभग अभी और 7 किलोमीटर बचे हुए हैं। बिल्कुल, इस दौरान हमारे बहुत सारे हिमाचल के खूबसूरत लोगों से प्यार, हिमाचल सरकार की तरफ से व्यवस्था, जैसे महकमे सेहत के और सिक्योरिटी पे अगर देखा जाए तो उन पर भी उन्होंने हमें मदद की और स्थानीय लोगों ने तो बिल्कुल भरपूर प्यार दिए। बहुत सारी जगहों पे चाय का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, व्यवस्था, और बहुत अच्छे से हमें स्वागत किया। हम इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें ये भी महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने से बाहर हैं। ओके अख्तर भाई, तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा जो ज़रूरी बात है कि ये हमारा पद यात्रा किस लिए? सबसे पहले तो हमें पता है, हमारे दर्शकों को भी पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार बोलिए जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसके बारे में भी थोड़ा बोलिए, और अभी तक का जो जर्नी रहा उसमें कैसा क्या रहा, किसका क्या सपोर्ट रहा, ये थोड़ा आप बता दीजिए प्लीज। जैसे कि चुस्पिल भाई आपको भी बखूबी मालूम है, बिल्कुल, कि जो हमारे ये स्ट्रगल जो है काफी सालों से चला आ रहा है। सही बात है। लगभग 2019 5 अगस्त के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो हमें यूटी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर, उसके बाद से ये लेह में एपेक्स बॉडी बनी, कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी, फिर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके 4 पॉइंट एजेंडा हमने सेट किया है, जिसमें हमने एक पिछले साल है जहाँ लेह में पोलो ग्राउंड में हमने किए थे एक प्रोटेस्ट जिसमें लगभग 30 से 35 हज़ार लोग जुड़े थे। बिल्कुल, उसके बाद हमने जम्मू में किए थे जिसमें आप भी शामिल थे, जो हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारे पुराने स्टेट थे उसके विंटर कैपिटल हुआ करते थे, वहाँ पे हमने किए। उसके बाद हमने पिछले साल, मुझे याद है शायद डेट 15 फरवरी को थे जब हम जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद दो महीने शायद 2 या 2.5 महीने हमने लेह में एनडीएस ग्राउंड पे अनशन किए। बिल्कुल, उसके बाद ये हमारा पद यात्रा जो है 1 सितंबर से फिर से एनडीएस ग्राउंड से हमने शुरू की थी। आज 25वां दिन है। अब हम कल इंशाल्लाह हम चंडीगढ़ सेक्टर 38 कल शाम को हम पहुँचेंगे। इसी तरह आगे सिलसिला चलते रहेंगे, ये जो है हमारे जब तक 4 पॉइंट एजेंडा हमारा फुलफिल नहीं होंगे। अब मैं 4 पॉइंट एजेंडा के बारे में थोड़ा विस्तार करूँ मैं हमारे दर्शकों को, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे स्टेट रूट फॉर लद्दाख। बिल्कुल, तो लद्दाख में लद्दाखी लद्दाख को गवर्न करे, लद्दाख के नुमाइंदे लद्दाख में हो, लद्दाख में अपने असम्बली हो जिसमें हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, हर लद्दाख के हर कोने से लोग चुन के आए, वहाँ पे डिस्कस करे, डेलीब्रेशंस करे, लद्दाख के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करे, रूल्स करे, रेगुलेशंस करे इन चीज़ों के बारे में, और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट जो हमारे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके तो हम मांग ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसके बाद सिख शेड्यूल की अगर बात करें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज की डाटा के हिसाब से लद्दाख लगभग 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन, एज पर लॉ अगर देखा जाए तो 45 से 50% अगर जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ पर सिख शेड्यूल लगू है, ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है। मगर हमारे लद्दाख का ये बात है कि
97% होने के बावजूद आज तक सिख शेड्यूल नहीं दिया गया। 4-5 साल से हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। वो जोश व जुनून जज्बा हमारे बुजुर्गों में भी है, जवानों में भी है, और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ हमारे जो लीडर्स है जो इन चीज़ों को लीड कर रहे हैं, बिल्कुल वो उनकी एकता की वजह से आज हम लोग इतने स्टैंड ले पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जिसमें मैं ज़्यादातर गजेटेड के पोस्ट की तरफ चला जाऊंगा। जो हम जब स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करते थे। बिल्कुल अभी हमारे पास ना कोई बोर्ड है, ना अभी तक 2019 से 5 अगस्त से लेके आज तक टिल डेट 25 सितंबर 2024 तक एक भी गजेटेड पोस्ट फुलफिल नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अगर साथ ही साथ हम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता चलूँ, उनका लगभग अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद आज तक 4 बैच निकल चुके हैं। सही सही। हमारी सही। एक बैच भी नहीं निकल, फुलफिल नहीं कर पाया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात। तो ये इन 4-5 साल की गैप जो है हमारे ऑफिसर्स नहीं निकल पाए यहाँ से, तो ये 4-5 साल की जो गैप है वो हमें इन फ्यूचर में इसका भी सजा भुगतना बिल्कुल पड़ेगा। ये कमी हो जाएंगे हमारे ऑफिसर्स में। उसके बाद लास्ट पे अगर देखा जाए तो हमारी जो है सेपरेट लोकसभा सीट और रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका हम बताता चलूँ कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे अभी तो, और 5 डिस्ट्रिक्ट इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है अभी तो। वो तो सिर्फ अनाउंस किया है ऑफिशियली, हमें नहीं हुआ तो अभी। अच्छा जी के ट्विटर हैंडल से हमें पता चला जो अभी एक्स है उनकी जरिए हुआ है। अब देखते जाएंगे, अभी तक हम जो 2 स्टेट ले और कारगिल को, एक ले को और कारगिल को सेपरेट लोकसभा सीट दिया गया, जो ज़्यादातर हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे है, उसके ऊपर हमारा आज तक इलेक्शन हुआ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा रिलीजियस बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में थोड़ा बहुत उस वक्त तकरार आया करते थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए वो इन फ्यूचर में ना हो, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ डिमांड मांगी है। और राज्यसभा में भी हमारा एक कम से कम नुमाइंदा लद्दाख का होना चाहिए। ये 4 मांगों को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इन मांगों को हासिल करके रहेंगे। हमारे जवान बुजुर्ग है सभी इन चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना करना पड़े, हम सब रेडी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बिल्कुल मंजिल पे हम पहुँचेंगे। एक मुझे शेर याद आ रहा है, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह, ये बहुत बड़ी बात कहा अख्तर भाई ने। और जैसे कि अख्तर ने बोला स्टेट फूड सिक्स शेड्यूल, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज और सब कुछ को लेके, और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अभी ये 25वां दिन है हमारे ये पदयात्रा का, और साथ ही साथ हमें भी बताया ये पूरा अभी और चलेगा,